नमस्कार दोस्तों, डिजिटल बैंकिंग इंडिया चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि पीपीएफ अकाउंट में या फिर सुकन्या समृद्धि अकाउंट में ऑनलाइन पैसा कैसे ट्रांसफर करते हैं। काफी सारे यूजर्स ने कमेंट करके मुझे बताया है, जैसे मेरा पिछला सुकन्या समृद्धि योजना का अकाउंट जो था, मैंने उसमें बताया था कि ऑनलाइन कैसे ट्रांसफर करते हैं। उसमें एग्जाम्पल लिया था मैंने बैंक ऑफ बड़ौदा के अकाउंट का, तो उसके में काफी सारे लोगों ने कमेंट लिखा कि पीएनबी पे कैसा ट्रांसफर करें, एसबीआई में कैसे करें, तो उन सबके मैंने अलग अलग वीडियो बनाए हैं। अब इसमें इस वीडियो हम देखेंगे पीएनबी में पैसा कैसे ट्रांसफर करते हैं ऑनलाइन, सुकन्या समृद्धि अकाउंट में या फिर पीपीएफ अकाउंट में। दोनों में एक ही बात है, दोनों में ऑप्शन एक ही तरीके से रहेगा। तो इसमें नेट बैंकिंग आप यूज कर रहे हो ऑलरेडी, यदि आप नेट बैंकिंग यूज नहीं कर रहे हैं और आप अपनी नेट बैंकिंग स्टार्ट करना चाहते हैं घर बैठे पीएनबी की, तो ये ऊपर जो आई बटन है यहाँ पे, ये जो आपको यूआरएल दिख रहा है इस टाइम पे, ये इस पे क्लिक करेंगे लिंक पर और यहाँ से वीडियो ओपन होगा, उसको देखेंगे, उसको देख के अकॉर्डिंग उसके आप अपनी पीएनबी की नेट बैंकिंग घर बैठे स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्लिक करके आप उसको देख सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में मैंने वीडियो का लिंक दिया है, उस वीडियो का जिसमें मैंने क्लियरली स्टेप बाय स्टेप बताया आपको कि पीएनबी की नेट बैंकिंग फर्स्ट टाइम कैसे एक्टिवेट करते हैं घर बैठे, आपको बैंक जाने की जरूरत नहीं होती। तो उस नेट बैंकिंग उसको देख करके आप स्टार्ट कर सकते हैं। फिर आप जब लॉगिन होंगे 24 घंटे में आपका अकाउंट एक्टिव हो जाएगा, इस तरह से डिस्प्ले आएगा लॉगिन करने के बाद में। तो इसमें मैनेज अकाउंट्स में आएंगे आप। मैनेज अकाउंट्स में आप देख रहे हैं पीपीएफ अकाउंट सबसे लास्ट में लिखा है, पीपीएफ अकाउंट, यहाँ पे आपको क्लिक करना है जब आपको अकाउंट ऐड करना है। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे जब जैसे ही अकाउंट ऐड हो जाएगा तो यहाँ पे आपको वो शो करेगा, अभी ऑलरेडी कोई अकाउंट लिंक है नहीं, तो इसको यहाँ पे आपको लेना ऑन ऑनलाइन पीपीएफ अकाउंट लिंकिंग, यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में यहाँ पे अपना 20 डिजिट का जो अपन पीपीएफ अकाउंट नंबर होता है वो आपको डालना है, तो उसमें टोटल 20 डिजिट होंगे, वो आपको डालना है। अपनी डीओबी डालनी है, ठीक है, अल्टरनेट आप चाहें तो डीओबी की जगह आप पैन नंबर डालना चाहें तो एक ही बात है, यदि आपका पैन नंबर अकाउंट में लिंक है ऑलरेडी तो आप पैन नंबर भी डाल सकते हैं, इन दोनों में से कोई भी आप एक इनपुट कर सकते हैं। एक चीज मैं और बताना चाहूंगा यहाँ पर, आपने जब यदि पुराना पीपीएफ अकाउंट आपका आपको अटैच करना है तो उसमें ध्यान रखना है कि आपको पीपीएफ अकाउंट में पैन कार्ड या फिर डेट ऑफ बर्थ ऐड होना चाहिए, यदि उसमें कोई ना कोई चीज मिस है तो यहाँ पे ऐड नहीं होगा। उससे पहले आपको जीबी मॉड्यूल में अपडेट करवाना होता है, अपनी बेस ब्रांच में जाकर के अपना पैन नंबर अपडेट करवाना होता है उसमें पीपीएफ अकाउंट में या फिर डेट ऑफ बर्थ। और यदि आपका नया अकाउंट है तो मुझे लगता है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ उसमें अपडेट होगी होगी होगी, तो आप डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पे इनपुट करेंगे, और यदि मैच नहीं हो रहा है तो आप पैन नंबर ट्राई करते हैं, दोनों ही नहीं हो रहे तो मैंने आपको बताया कि उस जिस ब्रांच में आपका पीपीएफ अकाउंट है वहां जा करके आपको ये डिटेल सबमिट करेंगे और उसके 24 घंटे बाद यहाँ फिर से ट्राई करेंगे यहाँ पर। तो ये डालने के बाद में दोनों चीजें भरेंगे आप, उसके बाद में यहाँ पे सबमिट पर क्लिक करना है, और एक बार ऐड हो जाएगा तो जैसे ही आप इसमें आएंगे यहाँ पे क्लिक करेंगे पीपीएफ अकाउंट दोबारा, तो यहाँ पे जो बता रहे यू डू नॉट हैव एन अकाउंट एक्टिव, यहाँ पे अकाउंट शो करेगा और उसमें आप अपने अकाउंट से पैसा ट्रांसफर कर पाएंगे। सुकन्या समृद्धि का बता दूं, कई बार काफी यूजर्स को दिक्कत आती है कि वो ब्रांच विजिट करते हैं और ब्रांच विजिट करके वहाँ पे कैश जमा करवाते हैं सुकन्या समृद्धि में, तो ये काफी सारी दिक्कत आ रही है। तो इसमें क्या करना है आपको, मैनेज अकाउंट्स ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ पे सेकंड मेन्यू है उसमें सब मेन्यू खुलेगा आपको, सुकन्या समृद्धि अकाउंट्स यहाँ से इस नाम से लिंक मिलेगा आपको लॉगिन करने के बाद में, यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में जब आप ऐड कर लेंगे बाद में तो यहाँ पे आपको शो करने लगेगा, ऐड करने से पहले फर्स्ट टाइम प्रोसेस जो है, वन टाइम प्रोसेस जो है उसमें ऑनलाइन सुकन्या अकाउंट लिंकिंग बटन रहेगा, उस पर क्लिक करना आपको। क्लिक करने के बाद में यहाँ पे अकाउंट आएगा और ऑपरेटिव अकाउंट यहाँ पर जो है इस पर आपको वो अकाउंट सेलेक्ट करना है जिसमें से पैसा ट्रांसफर करना है, आधार नंबर, क्योंकि आपकी सीआईएफ आईडी उसमें रहनी चाहिए। आप जैसे बच्चे का अकाउंट है उसके मदर या फादर की नेट बैंकिंग इसमें एक्टिव रहेगी, वो अटैच होगी, तो यहाँ पे आपको आधार नंबर डालना है और बच्चे की डेट ऑफ बर्थ जो भी है वो यहाँ पर ऐड करनी है, सबमिट करना आपको, अकाउंट सेलेक्ट करना है, ऑपरेटिव अकाउंट जो भी है उसके साथ आप अटैच कर पाएंगे और सबमिट पर करने के बाद में ऐड हो जाएगा। ऐड करके जैसे आप देखोगे तो सेकेंड टाइम आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपको अकाउंट नंबर यहाँ पर शो करने लगेगा और उसके बाद आप पैसा ट्रांसफर कर पाएंगे इजीली। यदि आपको इसमें कोई दिक्कत आ रही है दोनों अकाउंट को ऐड करने में, कोई भी टेक्निकल इश्यू आ रहा है तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बताएं, मैं उसका रिजोल्यूशन करूंगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और ऐसे ही पीएनबी के नेट बैंकिंग के बाकी क्वेरीज के लिए, बाकी वीडियोज के लिए, डेमो के लिए आप चैनल को देखते रहें, सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे ही वीडियो और आते रहेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।